मैं इनको जवाब दिया था कि उसको फोन कर दिया था जी। हाँ वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ अच्छा क्यों, अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है चुप हो जाऊं, कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है कोई फैर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात ये है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा जो जुल्म हुए हैं वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है ये जुल्म उस पे हुआ उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको सल्लम ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फ्रीक नहीं नहीं मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है, आसलम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है, आसलम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता, आसलम ने उसके ऊपर आगे नहीं, जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। सवाल ये है जुल्म हो खिलाफ हो गवाही देनी हो किसी के हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा, 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। मारा गया तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, ये यही गलती है ना मेरी इस बात पे ये जो बात है ना हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है जो शरीयत गवाही चाहिए। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद है, चाहे वो मर्द हो या औरत उतना फ्रीक तस्लीम नहीं करता ना। चार के बाद चाहिए अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो पहले पहली बात ये कि वो उस बात में चार गवाह है, ठीक है अडल्ट्री में ठीक है चार गवाह ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना हाँ। दूसरी बात होगी रेप की हाँ। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास उसने तस्लीम किया मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे और सबूत पेश किए थे और सवाल ये है कि दोनों फरीक हैं। ना गवाहियां आती है जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ शरीयत पता है, मैं तुमको बता रहा हूँ जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक करूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, एक ये चार गवाह लाए जाए, तीन तरह अडल्ट्री में रेप में नहीं, एक चार गवाह लाए जाए अडल्ट्री में अडल्ट्री हो या रेप हो कोई नहीं नहीं ना 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 बिल्कुल नहीं रेप में। हाँ नहीं मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं, फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें अपने। हाँ वेबसाइट
बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो ना पहले। अपनी ना बोली जो मैंने बात तो मोदी की, मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तीन सूरतें होती हैं, एक चार दीवार आने की, एक सूरत में एक अगर दोनों फरी इकरार करते हैं तो फिर सुधा मिलती है, और अगर नहीं करते तो फिर सुधा नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी है उसमें 12 लघवियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लघवियात भी नहीं है औरतों से हटाना। जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है, बाकी स्वेद के लिए भी दुआओं की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है वो मैं आपको सारे मैंने आपको नहीं कुरान पे लिखा है, कुरान में कुरान ऊपर आता है आपसे। मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा रेप कोई तरह करे, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट वो लघवियात तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे। देखो मैंने तुम्हें कल पिछली दफा भी कहा था कि इन अल्फाज में दो दो पांच दिन में बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे वजाहत और से भी पूछना होता ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप, और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं मेरी बात सुनो, हाँ मेरे मेरे मैं तुमसे फ्री से पूछा होता, मैंने अब तुम्हारी जो ईमेल है वो दी हुई है। नहीं नहीं मुझे वो बताएं आपका जो लफंगा जो है साला उस, वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। वो समझा रहा था, अगर वो कसम था कहते हैं कसम की कहानी की क्या क्लियर कट, किसी ने जो जिसने भी देखा वो चैट, वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट, अच्छा वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे मैं ये बस कह सकती हूँ। ठीक है हाँ हाँ, बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत के सुप्रीम हेड नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लघवियात नहीं है। ठीक है, जब ब्रिटिश नेशनल को जब बताओगे तो देखी जाएगी। हाँ मेरी मर्जी अब मैं यही है, हाँ निगरान कर सकता हूँ, हाँ और मेरी मेरी मर्जी तुम्हें यही है कि तुम्हारी डीसी ने है कि आप उसको छोड़ो मामले को, और आइंदा से अगर कोई हुआ भी कुछ था मुझे नहीं पता हुआ कि अगर हुआ भी था तो वो लोग अपने मुताद हो गए कि तोबा टाइप कर ली होगी। नहीं नहीं मैंने नहीं छोड़ना, ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि छोड़ दो, तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ नसीहत करो, इस्लाम के खिलाफ जाती है, ऐसे शब्द नहीं। दोबारा मैं जरा आऊंगी, मैं निदा हूँ चचा मोदी नहीं हूँ, आपने बैत से निकालने तो आप निकालें। नहीं क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए, मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं, और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज हैं फॉर सम रीजन। नहीं खुदा का नहीं, अगर मैं साहब फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते, ये आपको जेर भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। ठीक है बात ना, अगर तुम समझती हो कि मुझे जेर नहीं देती नहीं नहीं मैं बैठ में मैं नहीं, वो मेरा वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती, वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ मुझे मेरे सारे चॉइसेस मेरे सामने हैं, और जब ये मेरे से जानने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करते हैं, ये जब दुनिया में खुलेगा सारा मामला फिर आप हैंडल कर लेना जो भी हैंडल करना होगा आपने। एक सोशल मीडिया में देख खोला हुआ मामला, एक और खुल जाएगा,
क्या फिर क्या होगा? नहीं जी, ये आपके दिल के उबलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुनिया चार दिन बिल्कुल नहीं, ये आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है। नहीं मैंने मेरी मुझे बाहर पे जाने की इज्जत, ये लोग तो अभुक्त हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं देखे नहीं, उन्होंने अपनी मौतों की मोहरें लगा दी है मुझे हाथ लगा के, तो ठीक है देखेंगे ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मुझे मेरे अंदर क्या स्पेशल नहीं है, तो आपको खत में लिखा है कि जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब कि मैं स्पेशल हूँ, आपने इस लफंगी को खुदा बनाया है जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगी के खातिर। आप हकायक के खिलाफ जा रहे जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक लिख रहा है कि गलत किस्म का, और उसके भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना अपना आप करने का, लेकिन इससे उससे उस लिखने से की खुद से किए या किसी और से, क्या मतलब है इसका? नहीं मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाव शाह बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी वो दरिंदा। सेक्शुअल नहीं, वो मैं मेरे नाजिर मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्शुअल हरेसमेंट तो हो रही है लगा था कि से गिरने लगा था। आप नहीं, आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूँ। आपने नहीं सुने, एक सेकेंड एक सुनी तो सवाल ही अच्छा, उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मारे, आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ही क्यों शुरू किया 3 मार्च को जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खत दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तो फिर एक्टिंग हो रही है क्या? आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहे हैं, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बंद कर रहे हैं। तो बस मेरी मर्जी जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं मेरी मर्जी, मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको हाँ जी मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, अलीजेंस देना अपना, इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक अंजर खाना खुला हुआ है हाथ के खास में वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है, हाँ आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर मुबशर लगे हुए हैं, मोमू शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है गया था खास। आमिर भाई तो मैं कई दफा बात बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। हाँ तो वो सिस्टम नहीं, जब हुआ जब कहा
तुम्हारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े या इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। मुझे एक दफा बता मेरा ये जुमला था क्या कर सके वो इस काबिल नहीं है मैं ताल्लुक कायम कर सके तुमने मुझे बताया था पिछली को मैंने ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी इतना शर्म है या मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए कोशिश की नहीं वो कुदरती तौर पर कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। नहीं आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें मेरी थेरेपिस्ट हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पांस होता है मेरा रिस्पांस है कि मैं फ्री हाँ मैं डॉक्टर की कर रही हूँ मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ जो आपने खुद आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया और वो टॉप की थेरेपिस्ट है और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी तो अपनी हिफाजत ही नहीं एक साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र नहीं मुझे एक सेकेंड ठीक है हाँ वापस मैंने बता दिया अभी मुझे हसब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एडुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या कि एक साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है कई हफ्ते में कई मरतबा हो रहे मैं माउफ हो चुकी थी मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी हाँ वो पिंजरा टूटे या कम आज को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरी से खुशी छीनने की कोशिश की फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है अगर मैंने अगर ये फ्री प्लान होता तो मैंने बाबा हाँ नहीं इनको सजाएं नहीं बनती ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक अच्छा फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया जुर्म और जो किसने नहीं किया ठीक है और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की है वो भी आगे आएंगी बस ठीक है हसब आप खुद ये पर नहीं आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया और सारी दुनिया मेरी साइड में ही है सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है कम से कम कोई तो बोले ना नहीं सारे तंग है इस निजाम से ये जो छोटा मुनाफों वाला निजाम है ठीक है वो सारे तंग है चाहते नहीं पुराने हुजूर आप इतनी मायूम मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं खोले कि आपको लग रहे हैं कि हाँ नहीं जो मुखलिस एंडी है नहीं बिल्कुल जो आते होते हैं नहीं सारे मुखलिस वो सारे डिजायर हो चुके हैं कि रेप हो ये हो फलाना हो मेजरमेंट पे अखराज हो रहे रोटी पे अखराज हो रहे मगर रेप पे नहीं हो रहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह हाँ हाँ ठीक है मैं देखी जाएगी फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर जिसने भी भुगतना वो भुगते ठीक है तो मैं जमाती निजाम जो तुम्हारा मैं कुछ नहीं करूंगा जमाती निजाम अपने करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है जो
हाँ ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने, मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ उस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं नहीं, इनको क्यों नहीं करते, इन नफ़ों को क्यों नहीं करता है कि नफ़ंगे तुमने क्यों ये बातें की है? आपके आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं, आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था, आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने काम रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं की हुई है रब्बा में, और वो जो मर्जी करे। अब अत्तरपाल का लोग लोग ये नहीं कहते कि अत्तरपाल को मार्केट में लाए हैं, जो उस मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें, मैं बताओ, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या आवाम बातें करती हैं आप इसको प्रोटेक्ट कर लें अपनी बीवी की वजह से। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैंने गई थी चाचा बना के, मैं गई थी एज ए खलीफा, वक्त आपका कोई राइट नहीं था खालस सबूत को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, क्या बाबा वाली बात, आप मैंने पूछा था आपको कि आपने खाल सबूई या चचा फूरी को बताया है, आपने कहा हाँ सबूई को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया, फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज? ये पापा वाला मामला। सवाल से पहले दस आदमी को पता था क्या? दस आदमी को पता था उससे पहले मामला? नहीं 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 ना ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खाला सबूई को और आपने कहा था हाँ। ठीक है ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना मेरा राज, आपको क्या राइट था खाला सबूई को बताना? ठीक है वो, बट इट वॉज माई सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट। ये बिसाइड्स द पॉइंट है, खबर पहुंच चुकी थी नहीं पहुंच चुकी थी, आपने क्यों बताया? जब खबर पहले किसी को कुछ पता हो बताया जाता है, बाकी नहीं। आपका बिल्कुल राइट नहीं है इस खलीफा वक्त, आप, मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफा तो मसीह खामिस अहदा ताला बिन असर अजीज के पास गई थी। नहीं आपकी गलत, हम जब बैत करते हैं जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिर कुरान की हवाले मैं भी तो सोचती हूँ, अल्लाह ने क्यों नहीं पर्दे रखे हजरत लूत के बेटे पे, हजरत लूत की बीवी पे, ये क्यों नहीं पर्दे रखे? हाँ तो अब इस वक्त अल्लाह की तकदीर चल रही है, आप क्यों, मैं आज ही नमाज में नमाज पढ़ी थी कि या अल्लाह खुदा ताला हजरत साहब की आंखें खोले, इस आदमी को बचाते अगर खुद नहीं बचना चाहता। ठीक है तो मुझे दुआ कर रही, दुआ करती हूँ, बड़ी अच्छी दुआ है। नहीं और आप एक दूसरा, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। नहीं इज्जत ये किसी, सारे हंस रहे हैं इस पे, हंस रहे हैं इस पे कहना कि इसमें इज्जत है, आपका तमस्कर हो रहा है। तुम्हारे चंद लोग हंस रहे होंगे। नहीं चंद नहीं लोग, दुनिया हंसेगी आप पे। हाँ आप, मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पर बकराई थी, हाँ आप अगर उसको तबाह करने में तुले हैं यह आपका फैसला है। हाँ। जो भी जो नीचे चली जा रहे हैं बकराया, तो वो जो आखिरी जो जो आदमी था वो मेरे नाना थे, ठीक है, उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर चीज बकराई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। काम करता है और हर खलीफा में नहीं के कोई ना कुछ बात होती है, कोई ये चीज
नहीं, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आप क्यों, आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त मुझे सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है, पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं जी, नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। हाँ तो आप गलत कर रहे हैं, हाँ वो सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, और आपने आपने और दूसरी बात यह है कि आप, मैंने कभी एक दफा नहीं कहा था कि मेरे फादर फिगर बने, आप खुद ने, आपने उस स्टेप पे आए थे, आपने अम्मी को कहा था वो मेरा बच्चा, मैं मेरे बच्चे को कैसे छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने, ना वैसे अब मुझे कोई शौक भी रहा है। मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मिर्जा, मैं मिर्जा ताहिर अहमद की निवासी हूँ। क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे, अब मेरा सारा लग, जो आप बातें कर चुके हैं आप मेरी नजरों से कर चुके हैं। तुम्हारे अपने फोन पे तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम बच्चों की तरह हो, मैं कहता रहा। हाँ तो नहीं, हाँ मगर आज जो एक अमल में आप यही आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है, ठीक है। आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पे तो ना मारे। हाँ आपके खतों में साबित होते हैं। और दूसरा मैं ये सीधा आपके मुंह में एक कह रही हूँ, फातेदारी युसरा को हाथ में लगाई तो आप उसको माफ करें, जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांगी हो, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैंने जब मजाक का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांगी हो, तुम्हें क्या पता। तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, युसरा को कत्ल कर ले, आप उसे हाँ ठीक है उसकी गलती होगी। सवाल ये नहीं है, हाँ तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ तो देखो माफी होगी, तो जो सो हालात सामने आए, हाँ मैंने कहा है बाल पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ये भी हो सकता है ये भी होता है। अच्छा अगर आप पापा, आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास। एग्जैक्टली बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें ना। नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू किया है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, भाई उसका जवाब ही नहीं आया, आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। मैंने उस वक्त कहा कि तुम्हारे पे ये इल्जाम आते हैं, और उसने मुझे जुबानी तलाक उसका आ गया था, ठीक है। उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब भी आ गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। नहीं, जो दुनिया के असूल है उसके मुताबिक करनी है। हाँ तो फिर आपके असूल बड़े नान साफ है, साफ सी बात है, ठीक है। और मेरी मर्जी, हाँ हाँ बस ऐसा आप अपनी मर्जियां करें, क्योंकि मैं ये आपको नहीं दूंगी बहाना कि इस लड़की ने मुझे छोड़े, मैंने नहीं इसको छोड़ा, छोड़ेंगे आप, मैंने आपको खत में लिखा है, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ, आप माने ना माने मुझे कोई जरूरत नहीं साबित करने के लिए, मुझे पता है मैं क्या दुआएं कर रही हूँ आजकल, ठीक है। मेरी दुआ यही है, सुन ले मेरी दुआ भी सुन ले, मैं अल्लाह को कह रही हूँ अगर मैं गलत हूँ, अगर ये निदानी है, बेवकूफी है, मेरी ना अकली है, तो मुझे रोक ले, मेरे होंठ सीधे जैसे 28 फरवरी तक सी हुए थे,
फिर रोग पैदा कर ले। हाँ ठीक है, मगर जितनी मैं दुआ करती हूँ उतना मेरा मैं इतना मेरा मतलब तसल्ली मुझे होती है। और दूसरा ये भी कोई तरीका नहीं है, ये जो आपने कस्मे कर ली है, कस्मे एक वो क्योंकि एक तो मुल्क फर्क है, तो जूम में होनी चाहिए मेरे नजदीक, और उनका एक गवाह होना चाहिए, मेरा गवाह होना चाहिए। और आप तो ये आपने क्यों ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, इसका जवाब दे मुझे, अल्लाह को जवाब तो दे हैं। हाँ हाँ, तो आपको आपको खुदा को हाजिर नाजिर रख के हजर साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। धोने का दिल चाह रहे आपके लिए कि ये जेब नहीं देती आपको बातें। दूसरी बात ये है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कह रहे तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी बजा नहीं आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम तुम्हारा आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है ठीक है। और मैं जे ये क्या ये किस किस्म की परेशानियां, कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे उस कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बदजनी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने असूल अपने लिए असूल और दूसरों के लिए। और मैं तो शिवायत के ऊपर एक सवाल किया था तुम्हारे से, तुम कहती हो नहीं है कोई, कुछ नहीं है। हाँ और आपके तो भी मशवरे जो भी ये माफिया है जो चल रही है वो शायद आप उससे डर रहे हो, मुझे कतन डर नहीं है उन लोगों से। वो चाहे मुझे मारते और हिटमैन हायर कर लें और कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे, मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ और बस एक में मैं देख रही हूँ मेरी पॉइंट साथ साथ एक हाँ एक ये भी पॉइंट है मेरा कि चचा रफी अब्बा और दादा के भाई थे और हजरत मुस्लिम माऊद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में। और हाँ ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती कि मुझे डर लग रहा था, मुझे मैं एक टैक्टफुली मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से, टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है वो तो ताकतें आपने दी है उसको, और सारा आम अहमदी ये कह रहे आम अहमदी, ये आप पता है जिस बबल में आप रहने, अल्लाह मैं तो यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ हाँ क्योंकि आप मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया है और मैंने एविडेंस दे दिए, वो आप माने ना माने वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफियात बातें वो कर रहे, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजुर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक नहीं आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर हाँ तो ये इसलिए आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो और मिजनिया बुली करेंगे। हाँ आप तो बुली है, मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे अगर ये नेकी है। हाँ ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि नहीं, हाँ वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खनोन ने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाए। उस वक्त भी कर देना था, वो मैंने किया, और जब तुमने मुझे चचा बशीर को कब सवाल किया है? चचा बशीर को नहीं 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 नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। तो आपने एक हजरत साहब, आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। मैं पहले इसलिए एक तरह के हाथ में बात नहीं की, दूसरी बात ये है कि फाशी अगर दबरी थी तो दबरे देना चाहिए। नहीं, और दूसरी नहीं, दूसरी बात आपने कहा था कि निदा मैं एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं चाहिए, ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए, फपरे थे। अच्छा हाँ नहीं, इसके फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके, जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं, ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी जमीर जमीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? साहब मुझे नहीं पता क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है, जो तुम्हारी बात नहीं नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट करी हूँ, वो मेरा हक है, यो वो आप भी नहीं छीन सकते जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दी है, और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन दें और मेरी कन पट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उजमा बाजी की तरह, या ऐसे चुप करवा दें, जैसे मैं आपको नहीं पता आप किसको किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा बशीर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्ती आप डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में, मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट, वरना नहीं। बाबा जो फोंकी जा रहे हैं, फोंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है, जब मैंने ये पहले जिक्र किया था आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अभी एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है, कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ, और दूसरी बात है, क्या कह रहे थे ये जो बचपन के अपोस्ट्रोफीज कोर्ट एंड कोर्ट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है, तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहे? नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? हाँ एग्जैक्टली, कि अब तो आप ये केस फेयरली चला रही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा, प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। हाँ,
अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होते, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है, उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात हमारे 130 साल का मेहनत दांव पे लगाया है। क्यों दांव पे लगाया है? हजर मुसमात। हाँ, ये जो मुझे उस वक्त अपने चीता पति कहते, चाँद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हजर मुसमात ने फरमाया, मेरे पैगाम क्यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी, पैगाम मेरा क्यामत तक रहेगा। पेश अभी पेश हुई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हजरत मुसमात अलैहिस्सलाम की 1907 की पेश हुई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर उफ, मैं कहती हूँ क्यामत आ गई हमारे ऊपर। उस अलहम का आपके नजदीक उस अलहम का क्या मतलब है? भेजा था ना, भेजा था है ना, मैंने आपको भेजा था अलहम, नहाई छुपी हुई बात। नहीं, फिर इससे इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्माद अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? अच्छा, ठीक है। और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं, ये कोई से मैं कैसे, आपको आपको कैसे, आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त एक अकेली लड़की, मैं मुनाफ़कत नहीं कर सकती। नहीं, उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। हाँ, हाँ, तो जाहिर जाहिर शुरू हो गया। दूसरा, आप ये, अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशन थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया फिर, ये किस, ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। हाँ हाँ मगर ठीक है, ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। बहरहाल, जो चचम बशन ने कुछ जवाब दिया आपको? अभी पहुंची, पैदल जा रही? अच्छा, और बाबा ने कुछ जवाब दिए? बाबा ने जवाब दिए, बाबा आसपास का जनाई करता है, जनाई करते हैं, और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो नहीं, मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ ना, उसका उसके साथ। और झूठी गवाही जो इन ये लोग भी ले चुके हैं, जो नानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई, ये जो आप इतने घबराए हुए, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही है, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। हाँ, और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना,
जिस पे खोंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोल ही जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं, मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करे, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करे। नहीं, अस्तग़फ़ुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था, खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। व्हाट्सएप पे चाहते हैं, व्हाट्सएप पे चाहते हैं, नहीं 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 नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं गलत बात। हाँ ठीक है, हाँ, मतलब तो हो गया, और जो मैंने पूछा बात है वो बात तो खत्म हो गई। थैंक यू।